नमस्कार, मैं हूं शिखा डीविज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आखिर मणिपुर में अचानक वायलेंस क्यों क्रिएट हुआ और यहां समुदायों के बीच जो आक्रामक हमले हो रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जरूर जाकर उसे चेक कर लीजिए। फिलहाल मणिपुर के हालात को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहां पर कुछ भी ठीक चल रहा है, बल्कि लोगों के बीच हिंसा का प्रमाण और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हालात और भी ज्यादा लगातार गंभीर हो रहे हैं। मणिपुर में फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल में 7,000 से भी ज्यादा लोग वायलेंस वाली जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। और क्या आपको पता है कि इस हमले के दौरान एक MLA को ही इलीगल गन के साथ पकड़ा गया है। आखिर क्या है मणिपुर के फिलहाल के हालात, आइए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। मणिपुर में हो रहे इस वायलेंस को देखकर यहाँ के रहने वाले कई सारे लोग अब परेशान हो चुके हैं और लगभग 7500 से भी ज्यादा लोग मणिपुर छोड़कर मिजोरम में शिफ्ट हो चुके हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। इस मामले के बारे में जांच करने वाले कुछ अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 7527 लोग मिजोरम जा चुके हैं, जो कि कुकी समाज का ही एक वर्ग है। इसमें से कई सारे लोग या तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर किसी सेफ जगह पर छुपे हुए हैं, तो कुछ दूर दूर तक अपने जान पहचान वाले लोगों के घर में अप्रोच कर रहे हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा की आग भड़कने का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल के न्यू लंबुलेन के लोकल मार्केट में किसी जगह को लेकर मैदेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लोगों के घरों को फिर से आग लगा दी गई और फायर ब्लास्ट किए गए। सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि इंडियन मिलिट्री कमांडोज को वहां पर आना पड़ा और उन्होंने पूरे जगह पर एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि मणिपुर के एक फार्मर MLA को अपने दो आदमियों के साथ कुछ इलीगल गन्स के साथ गिरफ्तार किया गया और कुछ दिनों पहले मणिपुर वायलेंस में जितने लोग मरे थे उनका आंकड़ा बढ़कर अब 74 हो चुका है। और अगर बात करें कि कितने लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया है और कितने घरों को नुकसान हुआ है, तो बता दें कि अब तक लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है और 230 लोग अभी तक पूरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। वहीं इस वायलेंट प्रोटेस्ट में लगभग 17 घरों को जलाकर राख कर दिया गया है। What are government plans? पहली बार जब मणिपुर में वायलेंस के केसेस सामने आए थे तब राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले के ऊपर नजर डाली और पूरे स्टेट में जगह जगह पर कर्फ्यू लगा दिए गए। हालांकि ये सिचुएशन बिल्कुल भी शांत नहीं हुई है, पर कुछ समय के लिए थोड़ी सी कम जरूर हो गई है, जिसको देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से स्टेट की हिंसा की आग भड़क उठी और कई सारे लोग स्टेट के पॉलिटिशियंस को ही अपना निशाना बना रहे, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार वापस से कर्फ्यू लगा दिया है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टेट में कर्फ्यू सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगाया गया है और इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि अब फिर से वायलेंस होने के कारण 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिसकी वजह से अब सभी हालातों की पुष्टि करने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को जल्दी ही मणिपुर स्टेट में विजिट करने के लिए कहा गया है। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि स्टेट में सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है और किसी भी तरह की हिंसा की आग फिर से ना यहाँ भड़क पाए। मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर एग्जाम्स। फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे खतरनाक माहौल में लोगों को जहां घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है, तब स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज में जाकर किस तरह से पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मणिपुर की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पास की है। मणिपुर के लिए ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब नीट, UG टेस्ट का न्यू टाइम टेबल स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के सामने पेश किया गया है। इस न्यू एग्जाम टाइम टेबल के मुताबिक जून में मणिपुर राज्य में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को सबसे पहला रखा जाएगा, उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 3 से 5 जून के बीच किसी भी दिन नीट UG की डेट अनाउंस करेगी, जबकि CUET PG 2023 एग्जाम को 5 जून से लेकर 17 जून के बीच सभी स्टूडेंट्स के लिए रखा जाएगा एज पर द टाइम टेबल। लेकिन बदलते हालातों को देखते हुए इस टाइम टेबल में चेंजेस हो सकते हैं।
फिलहाल मणिपुर में वायलेंस अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है और मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई से यहाँ हिंसा भड़की हुई है जो कि तकरीबन 21 दिन तक जारी रही। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट सिचुएशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने कर्फ्यू हटाया था लेकिन फिर भड़की हिंसा को देखते हुए यहाँ पर फिर से कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। लेकिन इसके बीच खबर ये आ रही है कि सिटीजन्स में इतना गुस्सा है कि वहाँ के मिनिस्टर्स को इसका शिकार बनाया जा रहा है। फिलहाल एक शख्स की यहाँ मौत हुई है और इस लाश की पुष्टि करने में पता चला कि इस शख्स का नाम तो इजाम चंद्रमणि नाम था जिसको हिंसा के दौरान गोली लगी थी। चंद्रमणि ने ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आइए सब प्रे करें कि यहाँ पर हालात सामान्य हो सके, नॉर्मल हो सके। जिस तरह से हिंसा भड़कती है इसमें नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है, उन भोले भाले निर्दोष लोगों का होता है जो अपने घर में आराम से बैठे होते हैं जब हिंसा भड़कती है, या फिर वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं या अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से जो हिंसा का माहौल बनता है उसमें नुकसान हर किसी का होता है। आइए प्रे करें और गवर्नमेंट का साथ दे कि ताकि यहाँ पर हालात नॉर्मल हो पाए और आगे माहौल अच्छा रहे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए और कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।